हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नाम है कंप्यूटर लैंग्वेजेस। इसमें कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद आगे कितने जनरेशन्स में बताए जनरेशन हैं इसके बताए जाएंगे, हर जनरेशन्स के बारे में बताते हुए, और आगे कुछ ट्रांसलेटर को डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले किताब आप अपनी देखिएगा, उसमें लिखा है कंप्यूटर नीड्स स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म ए टास्क ऑफ फंक्शन। तो कंप्यूटर को आवश्यकता पड़ती है किसी भी कार्य को करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस की। दीज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड प्रोग्राम्स। और इंस्ट्रक्शंस के इन्हीं इंस्ट्रक्शंस के सेट को हम प्रोग्राम बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो इस सेट को डेवलप किया जाता है, इंस्ट्रक्शन के सेट को डेवलप करने की जो प्रोसेस है, वो टू एनेबल अ कंप्यूटर टू डू अ पर्टिकुलर टास्क। ये जो है कंप्यूटर को किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए हम इंस्ट्रक्शन का सेट डेवलप करते हैं, इसी को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो प्रोग्रामिंग क्या है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हम इंस्ट्रक्शंस को हम अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू टास्क हम अरेंज करते हैं। ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना अलग अलग रूल होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फाइव कैटेगरीज। पांच कैटेगरी में बांटा गया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। ये हैं फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, जिसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। दूसरा है सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज, उसे असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। तीसरा है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, वो हमारा हाई लेवल लैंग्वेजेस आ जाता है। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस को हम मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेजेस बोल देंगे, और फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज को एडवांस हाई लेवल लैंग्वेज या AI में यूज होती हैं लैंग्वेज, वो लैंग्वेजेस। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज की। मशीन लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज इज नोन एज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड। मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो लैंग्वेज कंप्यूटर डायरेक्ट समझ जाता है। तो द इंस्ट्रक्शंस इन फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज आर मेड ऑफ बाइनरी नंबर्स। जो भी इंस्ट्रक्शन है इस लैंग्वेज में, वो बाइनरी नंबर से बनाए जाते हैं। जो नंबर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं 1 और 0 से। प्रोग्राम कैन देन बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली इन मशीन लैंग्वेज। और प्रोग्राम उसके बाद डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाते हैं, क्रियान्वित हो जाते हैं कंप्यूटर पे। द इंस्ट्रक्शन रिटेन इन मशीन लैंग्वेज लुक लाइक 01 सीरीज। 01 की एक श्रेणी के रूप में दिखता है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। मशीन कोड हैज़ रन वेरी फास्ट। बहुत तेज़ काम करता है ये, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन की लैंग्वेज है, तो ये मशीन अपनी लैंग्वेज तो समझता ही है, बहुत जल्दी काम करता है। एंड एफिशिएंट भी बहुत है। सिंस द इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय द सीपीयू डायरेक्ट इन इंस्ट्रक्शंस को समझता है और एग्जीक्यूट करता है। इट यूटिलाइज लेस मेमोरी, और ये मेमोरी भी बहुत कम लेता है। नुकसान क्या है? डिसएडवांटेजेस, इट इज़ नॉट ईजी टू फिक्स एन एरर इन कोडिंग। इसकी प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में एरर ढूंढना और एरर दूर करना बहुत ही कठिनाई का काम है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिबग इन द प्रोग्राम रिटेन इन मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम लिखा होगा उसमें गलतियां ढूंढना बहुत कठिन है। इट इज़ एक्सट्रीमली मशीन डिपेंडेंट। ये मशीन पे डिपेंडेंट है, मशीन आधारित होती है, अर्थात एक मशीन में लिखा प्रोग्राम दूसरे मशीन पे नहीं चलेगा। हेंस यू कैन यूज ओनली वन टाइप ऑफ कंप्यूटर पर्टिकुलर फॉर ए पर्टिकुलर मशीन लैंग्वेज। एक कंप्यूटर के लिए एक अलग पर्टिकुलर लैंग्वेज होगी। मशीन लैंग्वेज हर कंप्यूटर की अलग अलग होगी। ऐसा नहीं कि एक कंप्यूटर में लिखा प्रोग्राम और दूसरे कंप्यूटर में चला लें, ऐसा नहीं होगा। हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, चाहे काम एक ही हो। आगे सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज रिफर्स टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज एसोसिएटेड विद असेंबली लैंग्वेज। ये वे लैंग्वेज हैं जो असेंबली लैंग्वेज से संबंधित है। असेंबली लैंग्वेज इज ऑल्सो रिकॉर्डेड एज लो लेवल। ये भी एक लो लेवल लैंग्वेज है। इन एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम आर रिटन यूजिंग निमोनिक कोड्स।
इस लैंग्वेज में, मतलब असेंबली लैंग्वेज में 01 जो मशीन लैंग्वेज थी उस तरह से नहीं लिखते थे, कुछ अलग अलग शब्द थे, उनको हम निमोनिक बोलते थे। तो निमोनिक कोडिंग होती थी। निमोनिक कोड्स क्या है? निमोनिक कोड्स इंक्लूड इंग्लिश वर्ड एंड लेटर्स विच इज ह्यूमन बींग कैन ईजिली अंडरस्टैंड। निमोनिक कोड इंग्लिश के कुछ वर्ड्स होते थे, कुछ लेटर्स होते थे जो ह्यूमन आसानी से समझ सकते हैं। देयरफॉर इट इज़ ईजियर टू वर्क विथ असेंबली लैंग्वेज देन बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज की अपेक्षा असेंबली लैंग्वेज में काम करना ज़्यादा आसान हुआ। द डेवलपमेंट ऑफ असेंबली लैंग्वेज वॉज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड द एवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो असेंबली लैंग्वेज का विकास हुआ, ये पहला कदम था हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की शुरुआत के लिए। निमोनिक कोड्स आर सिमिलर टू एब्रीविएशन विच हेल्प इन रिमेंबरिंग द ओरिजिनल वर्ड्स और कॉन्सेप्ट। ओरिजिनल वर्ड्स के छोटे छोटे एब्रीविएशन थे निमोनिक कोड। इसमें भी एडवांटेज डिसएडवांटेज हुए। एडवांटेज ये हुआ कि इट यूजेज इंग्लिश वर्ड्स विच मेक इट रीडेबल बाई ह्यूमन बींग। इसमें इंग्लिश वर्ड्स के यूज हुए जिसको ह्यूमन भी रीड कर सकते थे, समझ सकते थे। इट इज़ ईजियर टू लोकेट एंड फिक्स द एरर। ये बाइनरी लैंग्वेज की अपेक्षा ये ईजी था इसमें गलतियों को ढूंढना और दूर करना। डिसएडवांटेज क्या था? लाइक मशीन लैंग्वेज, इट इज़ ऑल्सो अ मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। ये भी मशीन पर आधारित लैंग्वेज थी। हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखे जाते थे। इट मीन्स डिफरेंट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स नीड टू बी रिटन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर। इट इज़ क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग। ये समय ज़्यादा लगाता था मशीन लेवल के अपेक्षा, ये ज़्यादा समय लगाता था। उसके बाद थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। द लिमिटेशन ऑफ मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज लेट प्रोग्रामर्स टू डेवलप अ लैंग्वेज विच इज मशीन इंडिपेंडेंट रिसेंबल इंग्लिश और एनी अदर स्पोकन लैंग्वेज। तो जो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज की जो लिमिटेशंस थी मशीन पे आधारित होने की, मशीन पे हर मशीन के लिए अलग अलग प्रोग्राम लिखना पड़ता था, तो ऐसी लैंग्वेज बनाई जाए जो हर मशीन पे चले और हमको समझने वाली लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो या कोई और हो, और साथ में मैथमेटिकल सिंबल भी यूज़ हो, ऐसा बनाने की सोचा गया। दीज लैंग्वेजेज आर नोन एज थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। ये लैंग्वेज हमारी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज कहलाई या हाई लेवल लैंग्वेज कहलाई। द इंस्ट्रक्शंस रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज आर ईजी टू अंडरस्टैंड एंड राइट। तो हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी इंस्ट्रक्शन थे वे हम आराम से समझ में आते थे हमें और हम लिख सकते थे। सम एग्जाम्पल ऑफ हाई लैंग्वेजेस आर, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, फोर्ट्रॉन, कोबोल, बेसिक, पास्कल, C++, जावा और भी बहुत से। अ कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज अदर देन मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर तो एक भी लैंग्वेज नहीं समझता, केवल अपनी मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है। सो इट नीड्स ए ट्रांसलेटर। तो हाई लेवल लैंग्वेज के लिए एक ट्रांसलेटर की भी ज़रूरत पड़ी विच कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। जो ट्रांसलेटर होते थे वे असेंबली लैंग्वेज को भी और हाई लेवल लैंग्वेज को भी कन्वर्ट करते थे मशीन लैंग्वेज में। तो इसके हाई लेवल लैंग्वेज के फीचर क्या हैं? इट इज़ यूजर फ्रेंडली। जो यूज़ करता है ना इसे, उसके लिए फ्रेंड जैसा है, इसीलिए कहा गया है इट इज़ ए यूज़र फ्रेंडली। फिर हाई लैंग्वेज, इट यूजेस इंग्लिश वर्ड्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स विच मेक इट ईजी टू अंडरस्टैंड। ये लैंग्वेज इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करते हैं, मैथमेटिक्स के सिंबल यूज़ करते हैं जो कि समझने में आसानी होती है। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन मशीन। ये मशीन पे आधारित नहीं थी। अगर एक कंप्यूटर पे हमने एक प्रोग्राम बनाया तो वही प्रोग्राम दूसरे कंप्यूटर पे भी चला सकते हैं, पूरा काम वही करेगा। तो ये तीन जनरेशन लैंग्वेज की है। उसके बाद फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है। द फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज वी आर डेवलप्ड टू गेट क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज। ये क्या है कि जो इसका डेवलपमेंट हुआ वो ह्यूमन लैंग्वेज के और भी क्लोज हो गई इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग एंड कॉन्सेप्टुलाइजेशन देन एनी प्रीवियस जनरेशन लैंग्वेज। जो पहले की जो लैंग्वेजेस थी उनकी अपेक्षा ये ज़्यादा ह्यूमन के करीब हो गई, ह्यूमन को ज़्यादा आसानी होने लगी। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी डिपेंड नहीं थी। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे लिखा प्रोग्राम दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चल जाता है। तो इसके एग्जांपल हैं फोर जनरेशन लैंग्वेज के, SQL, फोकस, मेटाफोंट, पोस्ट स्क्रिप्ट, वेब, बॉस, पाइथन और भी बॉस। तो इसके भी फीचर दिए हुए हैं।
इट इज़ मोर प्रोग्रामर फ्रेंडली एंड वर्सेटाइल। प्रोग्रामर फ्रेंडली है मतलब प्रोग्रामर के लिए ये आसान है, और वर्सेटाइल मतलब कि बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं इसको। मशीन आधारित नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम आधारित नहीं है। इट रिक्वायर्स मिनिमम एफर्ट फ्रॉम द यूज़र। यूज़र का, प्रोग्रामर का एफर्ट इसमें बहुत कम होता है, बहुत कम लगता है, मेहनत कम लगती है। इट एनहेंस प्रोग्रामिंग एफिशिएंसी विद द यूजेज ऑफ इंग्लिश लाइक वर्ड्स एंड फ्रेज। तो ये प्रोग्रामिंग की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, ये सब लैंग्वेज प्रोग्रामिंग एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि ये यूज़ करते हैं इंग्लिश के वर्ड्स और फ्रेज, आइकॉन, तो इसमें ग्राफिकल इंटरफेसेस भी यूज़ कर सकते हैं और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी। इट पॉसेसिस हाई स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन एज कम्पेयर टू द लैंग्वेज ऑफ प्रीवियस जनरेशन। इसके पहले की जो थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज थी वो थोड़ी समय लेती थी एग्जीक्यूट होने में, लेकिन ये कुछ ज़्यादा तेज़ एग्जीक्यूट होते हैं, क्रियान्वित होते हैं। द फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस आर डिज़ाइंड टू रिड्यूस द ओवरऑल टाइम। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जो बनाए गए हैं, डिज़ाइन किए गए हैं, वो टाइम को रिड्यूस करने के लिए बनाए गए हैं, साथ में एफर्ट भी कम हो एंड कॉस्ट, कीमत भी कम हो, एंड इज इनक्योर्ड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एनी सॉफ्टवेयर। तो डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में समय की बचत हो, एफर्ट कम लगे और कॉस्ट भी।